उसे जीना नहीं था, वह खुद को खत्म करना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। पति के धोखेबाजी से नेहा अंदर से टूट गई थी। इस बार नीरज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी तभी कुछ गिरने की आवाज आई। नेहा का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण नेहा की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू कितना रो रहा है। नेहा भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपने गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोती हुई बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, हाँ तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। नेहा अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। रोते रोते नेहा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज से नेहा की नींद टूटी। अरे मैडम आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था। अरे मैडम क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। मैडम चौथी गली में मेहता जी रहते हैं, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, 2 बच्चे हैं उनके, उनकी 1 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर नेहा के कलेजे को धक्का लगा। उसने पूछा कब हुआ, गंगू ने बोला रात को हुआ मैडम, मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे, कंबखत अभी तक नहीं आया। अचानक नेहा ने गुस्से से बोली, अच्छा किया वे आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता, अब वे थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगू नेहा के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो, भले ही आप मुझसे उम्र में बड़ी हो, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वे ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे, मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है, आत्महत्या ये कोई समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो, जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो उसके लिए आप जी नहीं सकती, और जो आपसे प्यार करते हैं आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर नेहा की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। नेहा गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू नेहा को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो, मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है, आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलो तो हो तो मैं आपके लिए एक टीचर का काम करने को पूछूं क्या, आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर नेहा चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगू अपने काम करने लग जाती है, काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में नेहा उससे बोलती है, रुको गंगू तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू नेहा के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने
पता, ऐसा आप कभी मत करना। ये आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू नेहा के हाथ में अपना हाथ लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू का बोलना सुनकर नेहा का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वे अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये इसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो नहीं सकता।